नमस्कार, मैं हूं सपना। स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। कानपुर महानगर के रामादेवी चौराहे पर स्टैंड कमेटी के आदेश पर कानपुर एडीसीपी ट्रैफिक शिवा सिंह द्वारा पुलिस बल के साथ निरीक्षण किया गया और शासन को एक रिपोर्ट भेजी कि सुंदरीकरण में क्या और सुधार किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान एसडीपी शिवा सिंह ने बताया कि स्टीयरिंग कमेटी के आदेश पर निरीक्षण किया गया है, जिसमें यह देखा गया है कि रामादेवी चौराहे पर चलने वाले यातायात में और क्या सुधार किया जा सकता है। चौराहे पर लगने वाले अवैध स्टैंड को निर्धारित जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हैं, उनकी मरम्मत का काम होना है। साथ ही रामादेवी चौराहे पर ई रिक्शा चालकों के लिए एक लाइन निर्धारित की जा रही है और सड़क के बीच में जो लोहे की बैरिकेडिंग की जगह सीमेंटेड डिवाइडर लगाए जाएंगे। चौराहे पर लगने वाली सब्जी मंडी को जगह चिन्हित कर उनको साइट किया जाएगा। निरीक्षण में जो भी समाधान निकल कर आया है उसकी एक रिपोर्ट बनाकर संबंधित सभी विभागों को भेजकर उस पर काम किया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी द्वारा आदेश अनुसार लोकल टास्क फोर्स द्वारा आज रामा देवी का निरीक्षण किया गया है और यहाँ जो जो ट्रैफिक को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए कार्य करने हैं उसको रिपोर्ट करा जाएगा और उसमें आगे फिर सभी डिपार्टमेंट्स के समन्वय से इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या क्या कार्य बहुत सारे कार्य जो आइडेंटिफाई करे गए हैं वो ये है कि जो जहाँ जहाँ रोड पर गड्ढे हैं उनको भरना है, डिवाइडर जो हमारे अभी टेम्परेरी बैरियर्स लगे हैं उनमें सीमेंटेड बैरियर्स लगाने हैं, ई रिक्शा के लिए हम जो स्पेशलाइज्ड लेन बनाना चाह रहे हैं उसमें भी और कार्य होना है और सब्जी मंडी को भी हम बातचीत करके उनको कहीं पर और स्थापित करने के लिए आगे प्रक्रिया करेंगे। देखिए, अवैध स्टैंड के लिए आगे बहुत सारी कार्यवाही होती रही है समय समय पर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस द्वारा और आगे भी इस पर कार्यवाही होती रही। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कानपुर नगर से संवाददाता प्रवीण सिंह चंदेल की रिपोर्ट।